सरकार द्वारा जारी कोविड 19 बचाव को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप नवरात्र एवं दशहरा पूजा मनाने को लेकर श्री बंसीधर नगर एसडीओ जयवर्धन कुमार की अध्यक्षता में भवनाथपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए एसडीओ ने सर्वप्रथम पूजा कमेटी के लोगों से पूर्व में हुई पूजा आयोजन एवं वर्तमान परिस्थिति में होने वाली पूजा को लेकर चर्चा की, जहां उपस्थित लोगों ने कोरोना बचाव के साथ पूजन कार्यक्रम करने की सहमति दी। एसडीओ ने पूजा पंडाल को आकर्षक नहीं बनाने, प्रतिमा की अधिकतम 4 फीट ऊंचाई रखने, मूर्ति स्थान को छोड़ बाकी जगह हवादार रखने, लाउड स्पीकर एवं आकर्षक लाइट नहीं लगाने, पंडाल क्षेत्र में मेला एवं खाने पीने का स्टॉल नहीं लगाने, पूजा पंडाल मंडप में पुजारी, जजमान एवं आयोजक सहित अधिकतम 7 लोगों को 6 फीट की दूरी पर रहने, प्रसाद भोग आदि का आयोजन नहीं करने, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करने, फेस मास्क या कवर लगाने के साथ सरकार द्वारा कोविड 19 से बचाव को लेकर जारी सभी नियमों का पालन करते हुए सद्भावना के साथ हर्षोल्लास से पूजा मनाने का निर्देश दिया। साथ ही जारी दिशा निर्देशों की लिखित प्रति उपस्थित लोगों को दी गई। उन्होंने उक्त नियमों का पालन नहीं करने वाले पूजा कमेटी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात कही। उन्होंने पूजा कमेटी के लोगों से पूजा को लेकर होने वाले खर्च के महज 10% राशि में पूजन कार्यक्रम करने की बात कहते हुए बचे 90% राशि से जनहित में ऐतिहासिक कार्य करने की अपील की। कार्यक्रम में स्वागत वचन थाना प्रभारी सीबी सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन इंस्पेक्टर रामजी मातो ने की। इस मौके पर प्रखंड कर्मी अरुणेश गुप्ता, मुखिया अब्दुल्ला अंसारी, केदार चौबे, लल्लू राम, अख्तर अंसारी, रहीम अंसारी, दीपक वर्मा, शंभू सेठ, नंदू सेठ सहित दोनों समुदाय के लोग व गणमान्य लोग उपस्थित थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।